नहीं रोग होता तो करता दवा, क्या करूं मैं दवा जब कई रोग हैं, और साथ में चलने वाला तो कोई नहीं, और मशवरे देने वाले बहुत लोग हैं, साथ में चलने वाला शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का। जीतना चाहता हूँ सभी से मगर, अद्भुत पंक्ति है बेटा, जीतना चाहता हूँ सभी से मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता। तो मोहब्बत है क्या? देखो प्रेम अलग अलग है। किसी गणित के विद्यार्थी से कहो कि एक और एक क्या होता है तो वो कहेगा दो। किसी नेताजी से कहो कि एक और एक क्या होता है तो वो कहेगा ग्यारह। किसी यार से कहो, इश्कबाज से कहो कि एक और एक क्या होता है तो कहता है एक, हम दोनों मिलकर एक हो जाएं। और किसी फकीर से कहो एक और एक क्या होता है तो वो कहेगा शून्य, जीरो हो जाना, समाप्त हो जाना। यानी कि संख्याएं वही हैं लेकिन उनकी व्याख्या अलग अलग है। तो मैं प्रेम के जिस कवि को बुला रहा हूं वो आपको उस रूमानी दुनिया में ले जाएगा जहां आप खुद को इश्क के दिनों में पुराने किले की घास पर बैठकर घास को तोड़ते हुए और जिंदगी के सपनों को जोड़ते हुए महसूस करेंगे, जहां आप महसूस करेंगे कि किसी पिक्चर हॉल में आपने फिल्म देखी है और सामने क्या चल रहा है वो अलग फिल्म है, और आप दोनों के कंधे एक दूसरे के पास हैं वो अलग फिल्म है, वो एक अलग कहानी है। तो इन्हीं एहसासों को कल्ब करते हुए, इकट्ठा करते हुए सबसे दूर से आए कवि को सबसे पहले बुला रहा हूं। जिस कवि को बुला रहा हूं वो इश्क का कवि है कि गली के मोड़ पर लड़कों के एक जमघट से, सुनो दिल्ली वालों, की गली के मोड़ पर लड़कों के एक जमघट से ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया, हमें किसी से मोहब्बत नहीं मगर है दोस्त, न जाने क्या हुआ दिले बेकरार भराया। एक वक्त आता है जब आप जगजीत सिंह की गजलें सुन के रोने लगते हैं, एक वक्त आता है जब आप रफी साहब के स्वर में स्वर मिलाते हैं। उसी वक्त को दोहराने के लिए माया नगरी मुंबई से एक शायर आया है, लेकिन इसको आप कैसा सुनोगे इस पे मैं तय करूंगा कि जो डिनर मेरे लिए प्रपोज्ड है रात को उसमें मुझे जल्दी से पहुंच जाना है या आपको अंदर तक संतृप्त करने के बाद पहुंचना है। इसलिए चंदन राय को जरा डूब के सुनिए, झूम के सुनिएगा, क्योंकि बीज बनने के लिए फूल को झरना होगा, बीज बनने के लिए फूल को झरना होगा, जन्म लेने के लिए जिस्म को मरना होगा, और चाहते हो एक गीत रचना तो दर्द की राह से सौ बार गुजरना होगा। आपको तो लगता है कि गीत है, आपको तो लगता है कि कविता है, लेकिन कहने वाला अपने कलेजे को पूरा उड़ेल देता है। इन्हीं जमानतों के साथ एक बार मंच और आखिर तक दोनों, जितने हजारों लोग इस हॉल में हैं, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें चंदन राय। प्रेम और इश्क की उन्होंने बात की कि प्रेम का कवि हूं, वहीं से बात शुरू करूंगा आपके सामने कि मोहब्बत में है कितने गम ये हम बतला नहीं सकते, मोहब्बत में है कितने गम ये हम बतला नहीं सकते, ये होती भी उसी से है जिसे हम पा नहीं सकते। बहुत धन्यवाद। देखिए प्रेम के पास क्या होता है, प्रेम के पास शिकायतें होती हैं, शिकवा, यही सब होता है। वहीं से बात शुरू करता हूँ। स्वागत है चंदन। इस हाल में इतने लोग बैठे हुए हैं, आसपास ही कुर्सियों पर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बगल वाला व्यक्ति किस हाल में जी रहा है ये आपको नहीं पता होगा। आहा, क्या बात है, वाह। जीवन से चाहे बहुत अमीर लोग बैठे हों, चाहे थोड़े मीडियम क्लास के लोग बैठे हों, जीवन से एक शिकायत सबको होती है, वहीं से अपनी कविता को शुरू करता हूँ, सुनेगा। स्वागत है चंदन। hmm.
या तो हंसने दे या तो रोने दे। क्या बात है, देख सुनने वाले देख मेरी दिल्ली के आहा। या तो हंसने दे या तो रोने दे, या तो रोने दे, बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। या तो हंसने दे या तो रोने दे, बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। ओ जिंदगी इस तरह से मत उलझा, जिंदगी इस तरह से मत उलझा, तू किसी एक का तो होने दे। जिंदगी से तरह से मत उलझा, तू किसी एक का तो होने दे। या तो हंसने दे या तो रोने दे। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा ही प्यार बना के रखिएगा। वरना कुमार भैया के सामने कौन बोल पाता है, बहुत ज़्यादा आप समझते होंगे, वो पीछे बैठा हुआ है। स्वागत है। तो आपकी तालियां हमें हिम्मत देंगे, सुनिए। स्वागत है। तमाम युवा बैठे हुए हैं, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो आपको छोड़ के गया होगा। तो प्रेम का कवि हूँ तो वो भी बात आपके सामने कह देता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। इस तरह से बदल के मत जाओ। क्या मीठा है ये, वाह। इस तरह से इस तरह से बदल के मत जाओ, यूं अचानक निकल के मत जाओ। अब लाएगा देखना। इस तरह से बदल के मत जाओ, यूं अचानक निकल के मत जाओ। और मैंने कदमों में दिल बिछाया है, मैंने कदमों में दिल बिछाया है, चल के जाओ कुचल के मत जाओ। मैंने कदमों में क्या लगाया, चल कुचल दिल बिछाया है, चल के जाओ कुचल के मत जाओ। यूं अचानक निकल के मत जाओ। एक मुक्तक आपको और सुनाता हूँ, फिर उसके बाद ये सुनूंगा। सुनिए। हाँ चंदन। कि कोई हमसा न दीवाना होगा,
कोई हमसा न दीवाना होगा, न दीवाना होगा। फिर तुम्हें लौट के आना होगा। सादा और प्यारा। कोई हमसा न दीवाना होगा। क्या मीठा गाता है बच्चा ये। फिर तुम्हें लौट के आना होगा। वाह। और जिस नए की तलाश है तुमको, जिस नए की तलाश है तुमको, वो भी एक रोज पुराना होगा। जिस नए की तलाश है तुमको, वो भी एक रोज पुराना होगा। फिर तुम्हें लौट के आना होगा। और ये मुक्तक थोड़ा सा दूसरे धुन में है, मैं सुनाता हूँ आपको। उसके पहले एक शेर सुन लीजिए। तमाम लड़कियाँ बहुत बैठी हैं यहाँ पे, हमारी छोटी बहन कविता भी बैठी है, कविता तिवारी। एक बार ज़ोरदार तालियाँ कविता के लिए बजाइए, जिसमें और लड़कियाँ बहुत बैठी हैं यहाँ पे, तो वहीं से सुनिएगा एक मुक्तक, उसके बाद फिर एक गीत सुनाऊंगा आपको। हाँ बेटा सुनाइए। कि वो तेरे साथ चल भी सकता है, वो तेरे साथ चल भी सकता है, तुझसे आगे निकल भी सकता है। वो तेरे साथ चल भी सकता है, तुझसे आगे निकल भी सकता है। और प्यार करना यकीन मत करना, आदमी है बदल भी सकता है। प्यार करना यकीन मत करना, आदमी है बदल भी सकता है। और मैं चूंकि प्रेम और मोहब्बत का कवि हूं, तो चार पंक्तियां और सुनी उसके बाद भैया। हाँ बेटा जल्दी से वो गीत सुनाऊंगा जिसके लिए आपने कहा। स्वागत है बेटा, पढ़िए। कि हाले दिल उनसे मेरा, मुझको ही कहने दीजिए हाल दिल उनसे मेरा, मुझको ही कहने दीजिए। सुनिएगा। कि हाल दिल उनसे मेरा, मुझको ही कहने दीजिए हाल दिल उनसे मेरा, मुझको ही कहने दीजिए। आप जाने क्या कहेंगे, आप जाने क्या कहेंगे, आप रहने दीजिए, आप जाने क्या कहेंगे, आप रहने दीजिए। और लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में। मैं मोहब्बत हूँ मेरी आँखों को बहने दीजिए, मैं
मोहब्बत हूँ मेरे आँखों को बहने दी जिए आप जाने क्या कहेंगे आप रहने दीजिए। क्या बात है चंदन, बहुत आगे सुना दो एक बार, जोरदार तालियां चंदन के लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो रेड एफएम के लोग आज तक मैं बजाता आ रहा था, बजाते रहो, आज आप बजा रहे हो, इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। चलिए गीत सुनाता हूँ, स्वाभिमान का गीत है, भैया का आदेश है, बहुत सुंदर गीत है। और गीत को अगर आप दूसरी पंक्ति से उठा लोगे तो मुझे बहुत साहस मिलेगा, और मुझे साहस मिलेगा तो मैं आपको दुगनी ऊर्जा से सुनाऊंगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, सुनेगा। गीत को दूसरी पंक्ति से आप उठा लीजिएगा। क्या गीत है बेटा, पढ़वा, मैं तो सुनने आया हूं तुझे आज। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है, खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है, गुदगुदा के हंसाना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। और पहला बंदा आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। क्या खुददारी है, वाह। एक ही रोग होता तो करता दवा। वाह मेरे लाल, क्या बात है। एक ही रोग होता तो करता दवा, क्या करूं मैं दवा जब कई रोग हैं। एक ही रोग होता तो करता दवा, क्या करूं मैं दवा जब कई रोग हैं। और साथ में चलने वाला तो कोई नहीं, और मशवरे देने वाले बहुत लोग हैं। साथ में चलने वाला तो कोई नहीं, मशवरे देने वाले बहुत लोग हैं। दिल जलाना नहीं चाहता, इसलिए दिल जलाना नहीं चाहता, इसलिए दिल किसी से लगाना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। और अगला बंद सुनिएगा, क्या बढ़िया लिखता है। यदि न दर्शन मिले, अद्भुत छंद है ये, शांति के धाम का। आय हाय हाय हाय। यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का, सिद्धि किस काम की, ज्ञान किस काम का। यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का, सिद्धि किस काम की, ज्ञान किस काम का। और चाहे शस्त्रों से हो, चाहे बिन शस्त्र के, हाँ, चाहे शस्त्रों से हो, चाहे बिन शस्त्र के,
शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का, चाहे शस्त्रों से, चाहे शस्त्रों से हो चाहे बिन शस्त्र के, शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का। जीतना चाहता हूँ सभी से मगर, अद्भुत पंक्ति है बेटा, जीतना चाहता हूँ सभी से मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता, जीतना चाहता हूँ सभी से मगर, जीतना चाहता हूँ सभी से मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। और मैंने चूंकि शुरू में आपसे कहा कि ये गीत स्वाभिमान का है, ये पंक्ति बहुत ध्यान से सुनने का निवेदन करता हूं कि भावनाओं को परिणाम मिल जाएगा, क्या पढ़ रहा है भैया, भावनाओं को परिणाम मिल जाएगा और रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा, और मेरी चोटों को होठों से छू दो, क्या बात है वाह, मेरी चोटों को होठों से छू दो प्रिय, मेरी पीड़ा को आराम मिल जाएगा, मेरी चोटों को होठों से छू दो प्रिय, मेरी पीड़ा को आराम मिल जाएगा, बाद मरने के चंदन जो मुझको मिले, बाद मरने के चंदन जो मुझको मिले, स्वर्ग ऐसा मैं पाना नहीं चाहता, नहीं चाहता मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। और दो बंद इस गीत के और बचे हैं, अद्भुत है, वो सुनाता हूँ, उसके बाद फिर अपना स्थान लूंगा। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, मैं बहुत बधाई बहुत धन्यवाद देता हूँ इतने खूबसूरत कार्यक्रम, क्या बात है, क्या पढ़ रहे हो बेटा, वाह। मैंने कहा स्वाभिमान का गीत है, आजकल घुटने के बल पे गुलाब देते हैं लोग, तमाम लड़के बैठे हैं, सीधा सुनिए मैं जो सुना रहा हूं, कि मन की बातों को होठों पे ला दीजिए, मन की बातों को होठों पे ला दीजिए, चाहता हूँ मैं सुनना सुना दीजिए, मन की बातों को होठों पे ला दीजिए, चाहता हूँ मैं सुनना, चाहता हूँ मैं सुनना सुना दीजिए, प्यार करते हैं गर तो जता दीजिए, स्वाभिमान देखिएगा, कि प्यार करते हैं गर तो जता दीजिए, प्यार ना हो तो वो भी बता दीजिए, प्यार करते हैं गर तो जता दीजिए, प्यार ना हो तो वो भी बता दीजिए, हार को जीत को प्रेम के गीत को, हार को जीत को प्रेम के गीत को, मैं अकेला ही गाना
नहीं चाहता जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। और इस गीत का अंतिम बंद सुना के अपना स्थान लूंगा। निवेदन करता हूँ, इतना प्यार आपने रोक के रखा, उस प्यार और आशीर्वाद के साथ आप मुझे विदा कीजिएगा। पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है चंदन। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, अब दीवानों की तादाद कम हो गई। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, अब दीवानों की तादाद कम, अब दीवानों की तादाद कम हो गई। और दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर, दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर, एक तस्वीर की आंख नम हो गई। दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर, एक तस्वीर की आंख नम हो गई। एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर, एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर, कोई दुल्हन बनाना नहीं चाहता।